सब तो पहला मैं सलाम करदा तुहाडे जज्बे नूं, तुहाडे जोश नूं, मेरे किसान ते मजदूर भावो। तुसी इस जिहड़ी जालम हकूमत है बीजेपी दी, चाहे दिल्ली दे विच राज कर रही है, चाहे हरियाणा दे विच राज कर रही है, पर जो मूँह तोड़वा जवाब हरियाणा नूं तुसी दे रहे हो ना, देखो पंजाब दे हालात थोड़े नालों अलग ने। तुहाडे उत्ते हुकूमत कर रहा खट्टर ते जुल्म भी ढा रहा है। पहला भी आपां देखिया कि किवें उन्हें सिर पाड़े रत्तां बाहां तोड़ियां, किवें साडियां किसानां दियां मजदूर भरावां दियां अक्खां दियां रोशनियां चलिया गईयां, किस तरीके दे नाल एक नौजवान की किसान की मौत भी हुई है। पर यार तुसीं फिर भी डटे हुए अज दिखाता तुसीं इस हुकूमत नूं कि रात जिहड़ा डीसी इत्थे बोल रहा सी ना, मैं भी सुन रहा सीगा इतने ना किसी सैक्रटरीएट मूहे आने देवे, ना किसी को असी हाईवे रोकण देवे, पर आ देख लो आ बैठे दिखा देना सैक्रटरीएट है, तो आ बैठे योधे साढ़े। जेड़ा खट्टर कहता है कि ये कले पंजाब वाले है, यहाँ रौला पाते कले पंजाब वाले, ये खाड़ा बना रखे हरियाणे वालों, पुछने वाला हो फुफर तेरे कथा आया बी हरियाणे ना। तो मैं अन्नवाद करता मेरे पंजाब वाले भरावान का भी, वो भी मैं मुंडे चार के मिले कहते भाई हुशियारपुर तो आए हैं, मगर यही चीज चाहिए है। हरियाणा साडा छोटा भरा ते पंजाब वड्डा भरा है, जे हरियाणा दे विपता पऊगी पंजाब खड़ूगा, जे पंजाब दे विपता पऊगी हरियाणा खड़ूगा। बड़िया कोशिशा हो गई, बड़िया लख कोशिशा प्रापे गंदा ढंग अपनाए कि सानू दुफार कर दिता जाए, कदे कहे तरीके बदनाम किया, कदे कहे तरीके बदनाम किया, पर अज साडा एका इन्हां नूं दिखा रहा है कि लगातार दस महीनों तों चल रहा संघर्ष जिहड़ा अज भी सिखरां वल वध रहा है। ते मैं कदों मेरा भरा पहला बोल रहा सी कि जे ये सरकार ना मनी उस एसडीएम के उत्ते 302 का मुकदमा ना दर्ज होया, किसान मजदूरों के उपर किए हुए मुकदमे ना रद्द किए गए, हरियाणा जाम होगा। मैं कहना हरियाणा नहीं पूरा उत्तर भारत जाम होगा। मैं इन गलत करनिया सी थोड़े को रात को भी रुका लगातार जिन्हें दिन यह चलूगा धरना, होर भी पंजाब के हरियाणा के लोगों को अपील करा भी भाई वो तो वो वड्डी गिणती दे विच शमूलियत करो, क्योंकि तुहाडे एके ने तुहाडे कट्ठ ने इन्हां सरकारां नूं हाथ मारनी है। नहीं तुसीं इह देखो जिहड़े तरीके नाल बैरीकेडिंग कीती सी, जिहड़े तरीके नाल इन्हां ने पूरे प्रबंध कीते सीगे कि कोई अगे नहीं वधण देना, पर तुहाडा एका तुहाडा कट्ठ दे के इह सारे फेल हो गए। तुहाडे एके तां टिके आ गोडिआं दे तां आए आ, इन्हां ने देखा भी एडे वड्डे कट्ठ दा मुकाबला नहीं हो सकता। पर अखीर ते गल कहणी चाहूंगा जिवें तुहाडे किसान आगू भी कहिंदे आ कि कोई भी मोर्चा जो कोई भी संघर्ष आपां लड़दे आ लाउणे आ तां जाबत च रहना बड़ा जरूरी हुंदा। जदों जाबता तोड़ोगे, जदों अपने आप नूं तुसीं समझ लो हिंसक होगे, तां समझ लो वो मोर्चा भी फेल और संघर्ष भी फेल हो जाते हैं। ये सरकार चाहती यह है कि किसी ना किसी तरीके नाल हिंसक होवे माहौल, कि असीं उहदा फायदा उठा के इन्हां नूं कुट के मार के जेलां सट के लोगों के बदनाम करके ये संघर्ष को खत्म कर दिए। सो भरावो इन्हां गल्लां ख्याल रखना, जाबते च रह के एक च रह के पूरी गर्स के नाल धौण ते गोडा रखांगे, अहीं अपने कर रहा तो यह जे श्रीमान के परते भी दर्ज होणगे। असी ये जिहड़ा मोर्चा पिछले 10 महीनों तो लाया हुआ जित के घरां नूं वापस आवांगे। सो इन्नियां मैं बेनतियां करदा होया अपनी गल नूं समाप्त करदा, हुण एक दो नारे जकारे लावांगे, पूरा बुलंद आवाज दे विच जवाब देना। किसान मजदूरों का एक जिंदाबाद, किसान मजदूरों का एक जिंदाबाद, मोदी सरकार मर्दाबाद, खट्टर सरकार मर्दाबाद, पंजाब हरियाणे का एक जिंदाबाद, पंजाब हरियाणे यूपी का एक जिंदाबाद, पूरे भारत के किसान मजदूरों का एक जिंदाबाद।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।